हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप रिमाइंडर एप्लीकेशन में जो रिमाइंडर क्रिएट करते हैं उसकी प्रायोरिटी कैसे सेट कर सकते हैं। जी हाँ, आप कुछ रिमाइंडर को लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं कि आप रिमाइंडर में प्रायोरिटी कैसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप रिमाइंडर मैनेज करते हैं लिस्ट वाइज। यहाँ पे हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि आप कैसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर अगर ज़्यादा रिमाइंडर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी एक ही है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा रिमाइंडर क्रिएट करता हूँ टेस्टिंग के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लैंग्वेज में हम जाते हैं, तो यहाँ पे टेस्ट और बाद में वन, ये रिमाइंडर क्रिएट हो गया। दूसरा एक रिमाइंडर क्रिएट करता हूँ टेस्ट टू वगैरह, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है कि प्रायोरिटी कैसे सेट होती है। तो ये रिमाइंडर हो गया, लेकिन अभी जो रिमाइंडर है, तीनों रिमाइंडर के अंदर कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर मुझे कुछ रिमाइंडर को हाई प्रायोरिटी में सेट करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके उसे इन्फॉर्मेशन में जा सकता हूँ। जैसे इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रायोरिटी का जो ऑप्शन है नन है। तो मुझे यहाँ से प्रायोरिटी सेट करनी है, वन मतलब लो प्रायोरिटी है, थ्री मतलब हाई प्रायोरिटी है। तो यहाँ से मैं उसे हाई प्रायोरिटी सेट कर देता हूँ, बाद में डन बटन प्रेस करना है। दूसरा एक जो रिमाइंडर है उसे मैं सेट करता हूँ लो प्रायोरिटी। तो जैसे यहाँ पे टेस्ट टू है, टेस्ट टू में इन्फॉर्मेशन में जा रहा हूँ और उसमें से मुझे सेट करना है लो प्रायोरिटी, डन बटन प्रेस कर दिया तो लो प्रायोरिटी हो गए। तो जब भी आप पूरा रिमाइंडर का लिस्ट देखेंगे तो आपको पता हो चल जाएगा कि ये जो रिमाइंडर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक फीचर से आप अपने हिसाब से जो लिस्ट के अंदर जो मल्टीपल रिमाइंडर्स होते हैं उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप पर्टिकुलर रिमाइंडर का लिस्ट बनाते हैं, उसमें आप टू डू लिस्ट जैसा बना देते हैं, तो उसमें से जो प्रायोरिटी वाइज जो होते हैं आप उसे पहले फिनिश करना चाहते हैं, और अलग जो लिस्ट होता है यानी लो प्रायोरिटी वाला जो होता है आप उसे बाद में फिनिश करना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रायोरिटी फीचर्स यूजफुल है जनरली। तो ये सिंपल फीचर्स था, उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कुछ ज़्यादा एडवांस इसका यूसेज नहीं है। आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे भी टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको अपने डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।